बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बीच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात, देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनाव पर चर्चा। फर्रुखाबाद में अमृतपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक सुशील कुमार साक को अब वहां की जनता पसंद करती नहीं दिख रही। लोगों का मानना है कि विधायक जी ने विकास के नाम पर लोगों को ठगा है, अब वो अपने बेटे संदीप साक के लिए बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये रिपोर्ट। अच्छा, अमृतपुर विधानसभा से आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं 193 अमृतपुर विधानसभा जनपद फर्रुखाबाद, हमारा मंडल नवाबगंज, और मैं यहाँ नवाबगंज का क्षेत्र अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा नाम प्रमोद कुमार मित्रा है। मैंने पिछले काफ़ी वर्षों से देखा है, ना पहले की सरकारों में और पहले के विधायकों ने क्षेत्र का विकास कराया है, और पिछले 5 वर्षों में हमारी पार्टी के विधायक हुए आदरणीय सुशील साक जी, उन्होंने भी विकास के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाया है, और केवल 2-4 लोगों के दायरे में ही वो सिमट कर रह गए हैं। जनता को सम्मान नहीं दिया है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया है, केवल अपने 2-4 चाटुकारों का भला किया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि टिकट बांटते समय सही व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। टिकट देना पार्टी का काम है, चुनाव लड़ाना हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का काम है। हमारा प्रत्याशी वैसे तो कमल का फूल ही है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको मजबूती से लड़ाएंगे, लेकिन मेरी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से ये अपील है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो कार्यकर्ताओं को समझ सके, उनके सुख दुख को साझा कर सके, उनके बीच में जा सके। ऐसा ना हो, अब हम अपने विधायक की बात करते हैं तो यहाँ कभी डेथ हो जाती है, हमारे ये कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, उन्होंने बुलाया तो कह देते हैं समय नहीं है, और जो जिनके अपोजिशन में हम लोग रहते हैं, जिनसे लड़ते हैं, उनका काम वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपमानित होना पड़ता है। तो मैं एक बार अपने पुनः प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से ये निवेदन करता हूँ कि टिकट बांटते समय बहुत ही संयम से परिचय लिया जाए और सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फिर अपने आप को 5 साल के लिए अपमानित करें और विकास के नाम पर ठगे जाएं, और केवल इन चाटुकारों का ही भला हो, जो 2-4 चाटुकार घेरे रहते हैं इनका ही केवल भला हुआ है। और यहाँ क्षेत्र की आप देख सकते हैं, आप खुद पत्रकार हैं और आप क्षेत्र में सर्वे करा सकते हैं कि क्या विधायक जी का माहौल है, सारी प्रजा उनसे दुखी है, किसी के यहाँ न सुख दुख में जाते। वो तो हम कर ही रहे हैं, सर्वे कर ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी है जो मतलब लोकप्रिय हो, जनता की मतलब सुख दुख समझे? हमने पिछले वर्षों में यहाँ अपने आदरणीय सुरेश राजपूत जी को देखा है, बराबर कार्यकर्ताओं का सम्मान रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के हित की बात उन्होंने की है, दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये अपील ही कर सकता हूँ कि